सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब भी दिल की बीमारियों की बात होती है तब लोग सर्जरी के नाम से बहुत कतराते हैं। यही लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि दवा के भरोसे जब तक चल सकते हैं तब तक ठीक है। ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि कब सिर्फ दवाइयों के भरोसे नहीं चल सकते हैं और किस सिनेरियो में सर्जरी को डीले करना बहुत गलत साबित हो सकता है। जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। मैं हार्ट सर्जन हूँ। अक्सर लोग मुझसे मिलने ही नहीं आते हैं, वो सोचते हैं कि सर्जन के पास जाना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सर्जरी कोई हुआ नहीं है, कोई भय की चीज़ नहीं है। भय की चीज़ एक्चुअली बीमारी है। बीमारी से आदमी की जान जाती है। अगर सर्जरी से उतना डर और उतना जान जाने का डर रहता है, सर्जरी में भी रिस्क है, लेकिन वो कभी कभी दवाइयों की बदौलत, दवाइयों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तभी आदमी सर्जरी को कहता है कि कराने के लिए। उस सिलसिले में, उस सिचुएशन, उस समय में अगर आप दवाई पर ही रहें तो आपके लिए वो जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक वाली बीमारी है। अगर माइल्ड बीमारी होगा तो कोई भी आपको डॉक्टर नहीं कहेगा कि सर्जरी कराइए। जब बीमारी एडवांस्ड हो गई, एंजियोग्राफी आपने कराया, तीनों नाड़ियों में बीमारी है, और ऐसे जगह बीमारी है कि जहाँ पर दवाई पर रखने में हो सकता है कि दवाई पर रहने में 90% खतरा हो जान का, और सर्जरी में मात्र 1 से 2% आपको जान का खतरा हो सकता है। हार्ट डैमेज हो गई है, हार्ट अटैक पहले से, और तीनों नाड़ी में बीमारी है, ऐसे सिचुएशन में अगर आप दवाई पर रहिएगा तो हो सकता है कि आपकी जान जाने की संभावना 90-95% है, और सर्जरी में खतरा 1% है। तो ऑब्वियसली उसी केस में आपको सर्जरी को एडवाइस की जाती है, और उस केस में अगर आप दवाई पर हैं तो आपकी जान ज़्यादा खतरा है। उसी तरह से रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है, जो कि वाल्व की, जिसको वाल्व की बीमारी हो जाती है, वाल्व सिकुड़ जाती है, मैंने अपने प्रैक्टिस में अक्सर देखा है कि ब्लॉक में बहुत डॉक्टर्स लोग शायद पेशेंट के कहने पर ही उसको दवाई पर रखते रहते हैं। दवाई पर रखे रहने में हार्ट फिर बहुत लंबी हो जाती है। अब इलास्टिक को एक हद तक आप खींचेंगे तो वापस छोड़िएगा तो जगह पर चली जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा खींच दीजिएगा तो फिर हम लोग बिहार में कहते हैं लमड़ गई ला, वो लमड़ जाता है, उसके वापस जगह पर नहीं आता है। कोई कोई हार्ट की बीमारियों में, जिसको हम लोग कहते हैं वाल्व का लीक कर रहा है, अगर हार्ट इतना बड़ा हो जाता है उसके बाद आप सर्जरी कराने आते हैं तो सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी उम्र भी कम हो जाती है, आपको तकलीफ भी बहुत रह जाती है, और जान पर भी खतरा भी रह जाता है। जब भी आपको डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करता है, वो आप किसी रास्ते ही पर जा रहे हैं। कोई कहता है कि इस रास्ते पर जाओगे तो 2 घंटे में पहुँचोगे, इस रास्ते पर जाओगे तो 4 घंटे में पहुँचोगे। आपने 2 घंटे का रास्ता वाला चुना है। जब आपको डॉक्टर के पास जाएँ तो आप हमेशा पूछ लिया कीजिए कि लोग सर्जरी में कितना खतरा है, सबसे सवाल यही पूछते हैं हमसे। पहले पूछिए कि सर डॉक्टर साहब इसको दवाई में रखें तो कितना खतरा है, और तब पूछिए कि सर्जरी में क्या खतरा है। बीमारी से डरिए, सर्जरी से नहीं। सर्जरी निकाली गई है उसका उपचार, सर्जरी को भी एक तरह का दवा ही समझिए, एक दवाई है टैबलेट, एक दवाई है सर्जरी। वो टैबलेट वाली दवाई में खतरा ज़्यादा है, इसलिए वो एक दूसरे शल्य चिकित्सा में ली जाता है। आज के दिन में जो भी सर्जरी है ना, वो इतना स्टैंडर्डाइज सर्जरी हो गई है, इतना स्टेट ऑफ द आर्ट, क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज सर्जरी है कि उसमें रिस्क वगैरह से बहुत कम है। जो हाई रिस्क है वो बता देता है डॉक्टर। जन्मजात बीमारियों जो बच्चों में होती है, उसमें खासतौर पर अगर डिले करने में, वो इट्स लाइक वो डिनाई करना होगा ट्रीटमेंट। वो आप किसी तरह से बच्चों को आपने वो ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे, क्योंकि डिले करने से उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अपने भाषा में पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज डेवलप कर जाता है। अगर उस केस में आप डिले करते हैं, हार्ट खराब हो जाती है। उस बच्चों को अगर आप समय पर इलाज कर देते, वो नॉर्मल सोसाइटी में हम आप ऐसा बच्चा निकलेगा जो बड़ा होकर शादी भी करेगा, उसके भी बाल बच्चे होंगे, और कोई ज़रूरी नहीं कि उसके बाल बच्चों को हार्ट के रोग हो भी, वो नॉर्मल कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, सब करेगा। डिले करने से वो बच्चा कोई लायक नहीं रह जाता। इसलिए एक चीज़ है, अगर बीमारी से घबराइए, इलाज से नहीं। और वो इलाज अगर दवाई के बस की बात नहीं है तो सर्जरी जरूर कराएं, क्योंकि सर्जरी में रिस्क आपको उस सिचुएशन में दवाई से कहीं कम है। जी।